टुडेज टिप ऑफ द डे, हे देव दिस इज रजनी का। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आप कोई भी चीज़ गूगल करते हो या फिर आपने सोशल मीडिया विजिट किया पोस्ट करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि किसी का प्रोफाइल देखना था या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटी आपके डे टू डे लाइफ में कि आप करने वो चलते हो लेकिन उसको छोड़ के और उसके साइड वाली चीज़ें करने लग जाते हो। गूगल करते समय गूगल ने कुछ आपको रिजल्ट दिखाया और आप उस मेन पॉइंट से हट के उस चीज़ के को देखने लग जाते हैं क्योंकि आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? सोशल मीडिया पे गए, कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट दिख गया और उस पोस्ट को ब्राउज करने लग गए इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द पॉइंट, है ना, कि आपने अब क्या करने गए थे वहाँ। सो यूजुअली ये हम सभी के साथ होता है, तो मैं इस चीज़ से आपको अवेयर करना चाहता हूँ। मैंने इसको समझ लिया है, मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी आदत बना ली है कि मैं जिस चीज़ के लिए जाऊँगा पहले से वो खोपड़ी में सेट होगा यहाँ पे कि भाई मैं इस चीज़ के लिए जा रहा हूँ, ये काम करूँगा, उसके बाद वापस आऊँगा, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, कुछ भी दिखता है, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, है ना। तो ये जब आप गूगल करते हो खास करके और सोशल मीडिया पोस्ट करने जाते हो तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि भाई किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो। सो एक लाइन में ये अपने आप खुद को बोलना है, स्टिक टू द पॉइंट, पॉइंट से नहीं हटना है, ओके, स्टिक टू द पॉइंट। सो यस, दिस इज़ द टिप ऑफ द डे। कैसा लगा कमेंट वगैरह में बताते रहना भाई। थैंक यू।